दोस्तों, आज मैं आपको कोई दवाई नहीं बताने वाला हूँ, कोई भी मेडिसिन या कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। आपको परहेज बताऊँगा, जिससे आप घर पे ही परहेज करके उन चीज़ों को ना खाकर और कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाकर आप वाइट पैचेस, लिकोडर्मा, पुराने से पुराने दागों को ख़त्म कर सकते हैं। बस आपको उन चीज़ों को ध्यान देना है, कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ योग हैं, उनको करना है नियमित, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 100% दोस्तों। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान दें, जिन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा आज वीडियो को। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का वीडियो, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कोई रुपया नहीं जाने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए आज का वीडियो दोस्तों पूरा पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताऊंगा वो सारी छूट गई, उसमें से एक भी चीज़ अगर छूट जाती है तो आपको ये फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, ल्यूकोडर्मा वाइट पैचेस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जो हमारी लाइफ लॉन्ग बीमारी कह सकते हो कि पूरे जीवन पर्यंत बनी रहती है। लोग 10 साल से 20 20 साल तक दवाई खाते रहते हैं, लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आज मैं आपको ऐसा अच्छा उपाय बताऊँगा, एक्सरसाइज और परहेज का उपाय, जिससे आप ठीक हो सकेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसको ज़रूर दबा लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन है, कोई पैसा नहीं लगना है, बस एक बटन दबानी है। और ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपका सब्सक्राइब करना हमारी संस्था को प्रोत्साहन देता है आपके लिए काम करना और आपकी बीमारी को दूर करने के लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लाना। तो दोस्तों, हमसे जुड़िए, हम आपकी मुफ्त में सलाह करेंगे। और हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, अभी आपको अंत में व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप वीडियो को पूरे बने रहिए, बिल्कुल मुफ्त में हम आपका इलाज करेंगे, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं। तो दोस्तों, अब बात हम करते हैं कि क्या परहेज करना है और क्या नहीं। दोस्तों, हम किसी भी कारण की आज बात नहीं करेंगे कि किस कारण से ये होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको जितने भी केमिकल युक्त चीज़ें हैं उनको बंद कर देना है खाना। जैसे आपका दोस्तों केमिकल युक्त मतलब कि आप मार्केट की जितनी चीज़ें होती हैं उनमें सब में प्रिजर्वेटिव मिला हुआ होता है, जो बंद होती हैं डिब्बे के अंदर, बॉटल के अंदर, पॉलीथीन के अंदर, वो सब 1 2 दिन से ज़्यादा जो भी रखी जा सकती हैं वो सब प्रिजर्वेटिव मिली होती हैं, उनमें सब में केमिकल होता है। हम टॉनिक लेके आते हैं पीने वाली सिरप, उसमें भी केमिकल मिला होता है। तो दोस्तों, वो तो जो डॉक्टर बताता है तो वो दवाई के हिसाब से ली जाती है, लेकिन इस बीमारी में आपको कोई भी खाने पीने वाली चीज़ जो मार्केट में बिकती है उसको आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल मिला हुआ था, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आपका सोडा या फ्रूटी या किसी भी तरह का डिब्बाबंद जूस, पैकेट वाला दूध, बिल्कुल भी आपको परहेज करना है। क्योंकि पैकेट वाला दूध भी 2 दिन से ज़्यादा का होता है, तो इसका मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव मिला होता है। घर का दूध जो होता है, अगर आप उसको 2 दिन रख दोगे तो वो बेकार हो जाएगा। तो आपका इस चीज़ का ध्यान देना है, आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना। और दोस्तों, 3 चीज़ें जो हैं जहर बॉडी के लिए, उनको आपको छोड़ देना है। एक नमक, और एक सफ़ेद चीनी, और एक कोल्ड ड्रिंक। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये होता है जो हम बॉडी से निकालते हैं, और वही आप ज़बरदस्ती कोल्ड ड्रिंक को लेते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं किसी को वाइट पैचेस हो, अगर जो लोग ये चीज़ें ज़्यादा खाते पीते हैं उनको एक लाइफ टाइम के बाद किडनी में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम, कैंसर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं दोस्तों। तो हमको ये सब चीज़ें बिल्कुल त्याग देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं। उसके बाद दोस्तों, अल्कोहल, स्मोकिंग और गुटखा मसाला, ये सब बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो खाते हैं उनको नहीं होता है। दोस्तों, हो सकता है उनका इम्यूनी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो आपसे ज़्यादा। अब ऐसा नहीं कि उनको ये बीमारी नहीं, उनको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम होगी ज़रूर। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है उसको वाइट पैचेस बहुत आसानी से हो जाता है। और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप एक दिन फास्ट रखें, व्रत रखें, उस दिन आप कुछ मत खाएं, सिर्फ और सिर्फ जूस पिए गाजर का, पालक का, चुकंदर का। ये आपको हफ्ते में एक दिन करना है, और कुछ भी नहीं खाना है, शाम को भी नहीं खाना है। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, शाम को खा लेते हैं, लेकिन आपको नहीं खाना है। व्रत का मतलब है सिर्फ आप फल,
केला खा सकते हैं, गाजर चुकंदर का जूस पी सकते हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है 24 घंटे तक। दोस्तों ये आपको नियमित करना, इससे क्या होगा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपकी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपकी ये बीमारी बहुत जल्दी से ठीक होने लग जाएगी। दोस्तों उसके बाद आपको क्या, फर्मेंटेड चीज़ें जो मैदे से बनी कोई भी चीज़ है, जैसे समोसा है, नमक पारे हैं, पूड़ी हैं, छोले भटूरे, या जितनी भी तैली आयली चीज़ें हैं या मैदे से जो चीज़ें बनती हैं, जैसे आप लोग खाते हैं ना नमकीन, दाल मोठ, नमक पारे, मीट नमकीन, वो सब बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप गॉड मेक किचन, जो ईश्वर के रसोई में बनाई गई, उनको खाइए। हरी सब्जियां, पत्तेदार, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, चुकंदर, मूली। और दोस्तों मूली किसके साथ नहीं खाना है, दूध के साथ मूली नहीं लेना है, कभी भी जहर बना देती है। और ये आप वीडियो हमने बनाया है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको परहेज करनी है दोस्तों। और सिट्रिक एसिड वाले फल बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि किसमें सिट्रिक एसिड होता है, आप खुद देख सकते हैं उसमें कि किसमें सिट्रिक एसिड होता है, वो आपको फल बिल्कुल भी नहीं लेना। आप किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिट्रिक एसिड वाले जितने भी फल हैं जो खट्टे होते हैं, उसमें सिट्रिक एसिड, जैसे आम, आम खट्टा होता है लेकिन मीठा आम आप खा सकते हैं। और आपको गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है। गरिष्ठ भोजन का मतलब है जैसे उड़द की दाल, वो पचने में बहुत मुश्किल होती है, और ये बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों। आपको बैंगन नहीं खाना है बिल्कुल भी। और जितनी भी चीज़ें दोस्तों सिट्रिक एसिड वाली होती हैं, संतरा है, ऑरेंज है, एप्पल है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी भूल से नहीं लेनी है। आपको नियमित एक कच्ची कली लहसुन की खानी, इससे आपका मेलेनिन इंक्रीज होता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। सुबह खाली पेट एक कच्ची कली लहसुन खाना है, और दो काली मिर्च। काली मिर्च आपके कलर को तेज़ी से बढ़ाता है और जो वाइट पैचेस होने से रोकता है, स्टॉप कर देता है, बढ़ते नहीं हैं दाग। अगर आप काली मिर्च, ब्लैक पर्पल, सब्जियों में, घर में, रसोइयों में काली मिर्च, ब्लैक पर्पल बहुत आसानी से मिल जाती है काली मिर्च, तो उसको 3 से 2 काली मिर्च आप खाइए। दोस्तों 1 गिलास लौकी के जूस में 4 पत्ते पुदीना, 4 पत्ते तुलसी के मिक्स करके जूस बना के नियमित सुबह खाली पेट लीजिए। इससे भी आपका बहुत तेज़ी से सफ़ेद दाग ठीक होंगे, बहुत तेज़ी से। और अगर आप इन सब चीज़ों का परहेज करेंगे तो आपको 3 महीने में इतने बेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे, चाहे कितना भी क्यों ना हो। जिनकी पूरे बॉडी में हो चुका है 100%, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल से 2 साल लग सकता है अगर ये सब नियम से करेंगे। लेकिन जिनका अभी नया नया दाग हुआ है, उनको बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर जड़ से ख़त्म हो जाएगा, अगर आपने सारी चीज़ें, और हमारे वीडियो 90s की सीरीज हमने बनाई है सनातन हेल्थ सल्यूशन चैनल पे, आप ज़रूर जाइएगा। वो 90 वीडियो हैं, करीब 100 तक और हो गए होंगे। वो सभी वीडियो आप ध्यान से देखिए, समझिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, वरना आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आपको वो सारे वीडियो देखने हैं जाके। आपको एल्कलाइन और एसिडिक, ये चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। जैसे एसिडिक चीज़ें आपकी बॉडी में बहुत ही नुकसान करती हैं, जितनी भी शरीर के अंदर बीमारी पनती है, स्किन से संबंधित या किसी भी प्रकार की शरीर में बीमारी होने का मेन कारण, मेन रीज़न एसिडिक मीडियम। आप पढ़े होए तो आपने खुद देखा होगा एसिडिक मीडियम क्या होता है और एल्कलाइन मीडियम क्या होता है। और एल्कलाइन मीडियम बॉडी में ज़्यादा होने पर वो आपके लिए फ़ायदा करेगा। जिनकी पीएच, अब मैं आपको बता देता हूँ, जिनकी पीएच रेंज 7 से नीचे जाती है, जैसे जैसे 7 के नीचे जाती है, वो सभी एसिडिक होते जाते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान होते जाते हैं और बीमारियाँ बनाती जाती हैं। और जो भी 7 के ऊपर जिनकी पीएच रेंज होती है, वो अच्छे एल्कलाइन होते हैं, जैसे गाजर है, चुकंदर है, लहसुन है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब क्या है, एल्कलाइन। तो ये बहुत फ़ायदा करते हैं शरीर के लिए। और दोस्तों सुबह मॉर्निंग में आप हरी घास पे, जहाँ पे ओस पड़ी होती, उस पे 45 मिनट तक दौड़ें, रेस करें इससे, और खुली हवा में आप बैठ के 1-1 घंटा अनुलोम विलोम और कपालभाति करें। दोस्तों बाबा रामदेव जी ने भी बताया कि शरीर की 99% बीमारियाँ
अनुलोम विलोम और कपालभाति करने से ख़त्म हो जाती हैं स्वतः ही। अनुलोम विलोम आपके हार्मोनल बैलेंस को बिल्कुल सही कर देता है, और कपालभाति आपकी सेल्स को रीजनरेट कर देता है, मृत कोशिकाएं जो नष्ट हो गई हुई होती हैं उनको जागृत कर देता है, जीवित कर देता है। दोनों को एक एक घंटा कीजिए 2 घंटे, मतलब अगर आप 5 बजे शुरू करते हैं तो 7 बजे तक, 5 से 6, 6 से 7, दोनों अनुलोम विलोम 1 घंटे और 1 घंटे कपालभाति, ये दोनों योग प्राणायाम करिए, आपके सफ़ेद दाग जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ आप 1 महीने करके देखिए, आपको रिजल्ट आपके आँखों के सामने होंगे। दोस्तों बिल्कुल फ्री के ये उपाय हैं, आप खुद ही कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगना है, और आप टेंशन फ्री हो रही है, बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए और थोड़ा धार्मिक बनिए मन, और आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हैं, उसका पूजा करिए, थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए अगर आप पढ़ सकते हैं। कहा गया कि अगर 100 बार कोई हनुमान चालीसा पढ़ ले मंगलवार के दिन, आपके सारे रोग दोष स्वतः ख़त्म हो जाते हैं। ईश्वर में विश्वास, भगवान में विश्वास आपकी आस्था और आपके शरीर की हीलिंग को बढ़ाता है, आप स्वतः ही ठीक होने लग जाएंगे। आप व्रत रखिए, भगवान का भजन करिए, जितना भी हो सकता है उनमें ध्यान लगाइए, आप अपनी बीमारियों को भूल जाइए, दिमाग से हटा दीजिए कि मेरे शरीर में कोई बीमारी है, वो बीमारियां अपने आप स्वतः ही सही होने लग जाएंगी। और दोस्तों परहेज का मतलब है कि आपको भूल से भी नहीं लेना, एक बार भी जो चीज़ें हमने बताई है आपको, शादी विवाह पार्टी में जैसे ठंडा गर्म एक साथ नहीं लेना, बहुत सारे लोग शादी विवाह पार्टी में जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद तुरंत कॉफ़ी पी लेते हैं, ये भी सफ़ेद दाग होने का बहुत बड़ा रीज़न है। आपको दूध वाली चाय के साथ नमक नहीं लेना, लोग शादी बारात पार्टियों में जाते हैं, वहाँ दूध पीते हैं, आइसक्रीम दूध वाली खाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद नमक वाली चीज़ें खा लेते हैं, खूब पकौड़ा खा लेते हैं, दोस्तों ये भी सफ़ेद दाग को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे वो तो खाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, दारू हर चीज़ पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन उनको नहीं था, तो दोस्तों जिसको नहीं हुआ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, लेकिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे जब बॉडी में डिटॉक्स बनता जाता है तो फिर बीमारियाँ होनी शुरू होती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जिसको नहीं, उसको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से एक टाइम के बाद ज़रूर होगी। तो आप इन चीज़ों को समझें, और मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, मेरे पास हज़ारों लोगों ने मैसेज किया, उसमें से 50% लोगों को 100% फ़ायदा हुआ है, जिनके पूरा पूरा बॉडी में था सबको फ़ायदा हो गया। उन लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ दवाई के चक्कर में पड़े हैं। आप दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ अगर आप दवाई के चक्कर में पड़े हैं कि दवाई हमको मिल जाए कोई तो हम ठीक हो जाएं जल्दी से और हमें कुछ ना करना पड़े, तो दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है। आप को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, दवाइयाँ भी तभी फ़ायदा करती हैं जब आप चीज़ों को जड़ पे काम करेंगे, कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी है, कैसी एक्सरसाइज करनी है। हो सकता है आप सारी चीज़ें परहेज कर रहे हों, हर चीज़ कर रहे हों नियम से, उसके बाद भी ठीक नहीं रहा, तो इसका मतलब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी, इसलिए दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही। या हो सकता है आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो तो फ़ायदा दवाई नहीं कर रही, या फिर आपका लीवर ख़राब हो सकता है इसलिए दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही, कि आप सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आपको हर तरीके से सारे उपाय बताएंगे और आप 100% ठीक होंगे, क्योंकि ये बीमारी एलोपैथिक में, अंग्रेजी दवाई में इसका कोई इलाज है ही नहीं। उन्होंने पहले बता दिया कि ये एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, इसका कोई इलाज है ही नहीं। अगर आप एलोपैथिक में दवाई कराते हैं तो आप अपना टाइम और समय बर्बाद करते हैं। आयुर्वेद में इसका हजारों साल पहले बताया गया था कि इसका इलाज पूरा संभव है और 100% लोग ठीक हो जाते हैं। और आज की डेट में हम अपने सनातन उपाय, जो आयुर्वेदिक उपाय थे सनातन, वो हम भूल चुके हैं और हम मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को स्पॉइल करते जा रहे हैं। बस हमारा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7651 87 89 16 पर मैसेज कीजिए।
आपको कोई भी समस्या हो आप मैसेज कीजिए, आपकी हेल्प होगी सर। थैंक यू।